गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं संदीप शर्मा आपके साथ एक तरीके से रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को एक तरीके से टारगेट करते हुए ये आपके लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज की तरफ से ये स्पेशल वीडियोस बनाए जा रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी भाग 11। अब भाग 11 इसको हमने पार्ट्स में बांट दिया है। जो स्पेशली टीम है हमारी वो इस तरह से नित नए नए प्रयास कर रही है कि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक तरीके से इन्हीं वीडियोस में से आएं, उसी को टारगेट करके ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले जो सबसे आज का टॉपिक है जनगणना, जनगणना या सेंसस ऑफ इंडिया। अगर हम जनगणना की बात करें तो सबसे पहले अगर कहा जाए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है जो एक तरह से आपको जानना भी पड़ेगा, सेंसस या जनगणना अगर की बात करी जाए तो जो भारत की जनगणना होती है ये संघ सूची में आती है। पहला तो आपका ये क्वेश्चन फंस सकता है कि जो भारत की जनगणना है वो भारतीय एक तरीके से परिपेक्ष में किस सूची में आती है, तो भारत के संविधान में संघ सूची का ये विषय है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, एक नंबर आपका तय है। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान की जो धारा है, कौन सी धारा, 246 के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक तरीके से के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाता है। वो धारा कौन सी है, वो भारतीय संविधान में धारा आराम एकदम से लिखी हुई है, वो है 246। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। भारत में अगर एक चीज अगर आपसे पूछी जाए कि भाई आप ये बताइए कि जो जनगणना होती है भारत की, ये भारत के किस मंत्रालय के अधीन होती है, क्योंकि भारत सरकार के अधीन में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, जैसे वित्त होता है, रक्षा होता है, इसके बाद बहुत से और एक तरीके से मंत्रालय होते हैं, उनमें से एक प्रमुख मंत्रालय है जिसको होम मिनिस्ट्री कहते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारत में जो जनगणना का कार्य होता है इसको आप नोट कर लीजिए कि यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अब सबसे बड़ी बात एक पूछी जाती है स्टूडेंट्स कि अगर गृह मंत्रालय के अधीन होता है तो इसका हेड बॉडी कौन होता है, हेड पर्सन कौन होता है, सर्वोच्च एक तरीके से कौन होता है, उसे कहा जाता है, उसे महापंजयक या जनगणना आयुक्त कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है भारत में जो जनगणना होती है वो गृह मंत्रालय के अधीन होती है, लेकिन जो उसका आयुक्त होता है या जो हेड बॉडी होती है उसको जनगणना आयुक्त या महापंजीयक कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार आंशिक तत्काल जनगणना, आंशिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स पार्शियल, पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड नहीं, पूर्ण रूप से नहीं की गई थी लेकिन स्टार्ट कर दी गई थी। आंशिक जनगणना सबसे पहले उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, आप इसको क्या करिए नोट कर लीजिए। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1871-72 में हुई थी। कई किताबों में 1872 दिया है, कहीं कहीं 1871 दिया है, एक तरीके से 71-72 दोनों में की गई थी, इतना याद रखिएगा, दोनों सही है, ऐसा नहीं कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपिन ने, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1881 में पहली बार पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड जनगणना हुई थी। रजिस्टर्ड का सीधा मतलब होता है कि इसका एक तरीके से भारत सरकार, क्या कहते हैं, ब्रिटिश मंत्रालय ने या क्या दिया था, पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड चीजें के द्वारा ये करवाई गई थी। अब इसके बात करते हैं भारत के पहले जनगणना आयुक्त, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी प्लाउडेन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत के पहले जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए उसी परिपेक्ष में आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें भारत में, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक समय था कि भारत में, भारत भारत के अंदर जो जनसंख्या थी एक समय बहुत ज़्यादा वृद्धि की थी एक दशक में, और एक दशक में बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो जो बढ़ी थी और घटी थी उसको नाम पे अलग अलग नाम दिया गया, आइए चलिए देखते हैं हम उसको। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम थी, मिनिमम थी, याद रखिए सबसे कम थी न्यूनतम थी। यह वर्ष
महाविभाजक वर्ष के, महाविभाजक वर्ष या इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए महाविभाजक वर्ष कब से कब तक था, तो वो था 1911 से 1921 तक, जब भारत के अंदर जो जन्म दर थी वो सबसे कम थी। अब इसका जस्ट उल्टा, वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर, 51 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष या माइक्रो डिवाइड ईयर कहा जाता है। यानी इस वर्ष में, इस दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या बच्चों की बढ़ी थी, इसे क्या कहा जाता है, लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भारत जब आजाद हुआ है 1947 में, तो 15 अगस्त 1947 को, तो आजाद भारत की पहली जनगणना स्टूडेंट्स कब की गई थी, 1951 में की गई थी। और इसमें कितने सवाल पूछे गए थे जब जनगणना हो रही थी, 14 सवाल शामिल थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 14 सवाल में क्या क्या आ रहे थे, तो 14 सवाल में आपसे जो पूछा जा रहा था, होता क्या है, एक प्रश्नोत्तरी बनाई जाती है। किसके द्वारा प्रश्नोत्तरी बनाई जाती है, यह प्रश्नोत्तरी बनाई जाती है एक तरीके से जनगणना मंत्रालय के द्वारा, जो जनगणना करता है। और इसमें क्या है, कितने कमरे हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, ऐसे कई सवाल देते हैं जिनका जनगणना से संबंध होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये कितने में, कितने सवाल थे, 14 सवाल इसमें से क्या थे, शामिल थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना भारत की पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि पहली बार एक तरह से पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन का यूज किया गया था 2001 की जनगणना से। वर्ष 2011 में कराई गई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, यानी जो अभी जनगणना हुई, जैसे 2019 चल रहा है, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो 2000 कब से आएंगे, 11 से आएंगे। क्यों, क्योंकि भाई भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। 2011 में कराई गई जनगणना भारत की कौन से नंबर की थी स्टूडेंट्स, 15वीं जनगणना थी। और यह आजादी के बाद की कौन से नंबर की थी, 7वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी वो आजादी के बाद, यानी 1947 से अगर हम कैलकुलेट करने स्टार्ट करें, तो कौन सी नंबर की थी, 7वीं। और अगर हम बात करें 1981 से, 1881 से, तो कौन से नंबर की थी, 15वीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल शामिल थे, फिर वही सवाल, एक प्रश्नोत्तरी कितनी थी, टोटल जो सवाल शामिल किए गए थे स्टूडेंट्स वो किए गए थे 29 सवाल शामिल किए गए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2011 की, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, यह आपसे पूछा जा सकता है, वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त तो कौन थे, तो वो थे श्री चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली थे, 2011 की जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है, भारत में विश्व की 17.5% की जो जनसंख्या है वो निवास करती है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछा जाता है कि भारत में कुल दुनिया की जनसंख्या के कितने लोग रहते हैं, 17.5। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत विश्व के 2.4 भूभाग पर विस्तृत है। कहने का मतलब है, अगर भारत का जो एरिया है भारतवर्ष का, वो पूरे विश्व का 2.4% है। भारत की जनसंख्या अमेरिका भारत की जो जनसंख्या है स्टूडेंट्स, भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान की कुल, अगर इन सब देशों को कुल मिला दे तो उसकी जनसंख्या के बराबर है। कौन कौन से हैं भाई, अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश और जापान को मिला देंगे आप तो भारत की जनसंख्या आपको मिल जाएगी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग 57.1% भारतीय आबादी हिंदी भाषा को जानती है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर की भाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी, इसे कितने लोग जानते हैं, 10.60। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की अगर भाषा देखी जाए तो वो कौन सी है, बंगाली, 8.90। और इसके बाद है मराठी, 8.20।
तेलुगु 7.80 लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं कुल आबादी का। एक फैक्टर और बता दूं मैं आपको, जो सबसे कम जानते हैं बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है स्टूडेंट, संस्कृत। कितने परसेंट, मात्र 0.49% लोग, सबसे कम। और ये जो आंकड़े जारी हुए हैं भाषा डाटा, ये कब आंकड़े जारी हुए हैं, 26 जून 2018 को जारी किए गए, उसके अनुसार ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। सबसे ज्यादा बोले वाली भाषा हिंदी है 57.1%, फिर उसके बाद अंग्रेजी है 10.6%, फिर बंगाली है इस तरह, और सबसे कम कौन सी है, संस्कृत 0.49%। तो स्टूडेंट्स आज हमने जनगणना के बारे में एक तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास के पन्नों को पलटा है जनगणना के। अब जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें 2011 की जनगणना के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट एक तरह से डिग्रीज बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।